सही मौका तो नहीं है ये, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि कल वैशाली ने सुसाइड किया और ये बहुत ही दुख की बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए, खासकर जब लव ऐसा सिचुएशन होता है, जब हार्ट ब्रोकन मोमेंट होते हैं, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने से कुछ आपका सॉल्यूशन निकलता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यू नो हम पिछले 3-4 साल से इस सिचुएशन से यू नो वी बीन गोइंग थ्रू इट। द फैक्ट इज कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे वक्त जो है उसे यू नो सॉल्व नहीं कर सकता या उसे ठीक नहीं कर सकता। यू नो यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग, टाइम्स आर नॉट द बेस्ट यू नो, और स्ट्रेस बहुत है, बट एक बात हमेशा याद रखना कि आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके बारे में सोचो। स्ट्रेस है बट वक्त हर चीज़ को ठीक कर देता है। सो बी 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 स्ट्रांग। कुछ बातचीत या फिर उनसे कुछ बातचीत आपकी हुई थी? नहीं, आपने टच पे नहीं आई नेवर। लास्ट सवाल मेरा, इसके बाद कौन सा गाना आने वाला है फटफट हमारे दर्शकों को? हां, इसके बाद अभी देखना पड़ेगा इसके बाद देखना पड़ेगा। आपका ट्रेलर कब आएगा? हां, आपका ट्रेलर कब आएगा? मेरा ट्रेलर तो अभी बन रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्नी सी गर्ल कौन सारे गामा, और आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। हमें जो पिछला अवार्ड मिला था, मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने हमें सेंसेशन बनाया, नहीं तो इतना आसान नहीं था। सो नो या थैंक यू सो मच, बट ये जो है आप लोग हैं, आपकी वजह से हम हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो।